नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू बने पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन, चार कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। नवजीत पंजाब कांग्रेस संकट के बीच बड़ा फैसला आखिरकार ले लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने नवजीत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के देखते हुए चार वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। इसके लिए एसी वेणुगोपाल की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है। जिन लोगों को प्रदेश में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है उनमें संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डेगी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा का नाम शामिल है। यानी अब साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को हाथ होगी। अध्यक्ष बनाने के बाद सिद्धू पटियाला पहुंचे, वहीं उनका घर भी है। पटियाला पहुंचने के बाद सिद्धू ने सबसे पहले यहां के दुख निवारण साहिब गुरुद्वार पर मत्था टेका। अब साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य के कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ होगी। लेकिन इसके विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके विवाद बढ़ सकता है। दरअसल तमाम विधायकों ने रविवार को ही सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद नहीं सौंपने की गुजारिश की गई थी। यहाँ एक बात और अहम है। अब तक कांग्रेस से जब भी कोई मुख्यमंत्री या अध्यक्ष बनता जाता है तो प्रदेश कार्यकारिणी सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखती है, लेकिन ऐसा पहली बार होता दिख रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग बुला रही है। दूसरी तरफ अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी ने सोमवार को एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें यह फैसला होना था कि हाईमान का जो फैसला होगा वह प्रदेश कांग्रेस को मंजूर होगा, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही दिल्ली से फैसला आ गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में आगे मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का अब तक को काम के लिए धन्यवाद दिया है। बताया गया है कि कुलजीत सिंह नाराज, जो कि अभी सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में AICC इंचार्ज है, वह इस पद से मुक्त हो जाएंगे।